लोकसभा चुनाव के लिए राजनीतिक पार्टियां पूरी दमखम के साथ तैयारी में जुटी है। बात करें यूपी की तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराने के लिए सपा कांग्रेस एक साथ है, जिसकी झलक आगरा में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी देखने को मिल गई। दरअसल कल यानी रविवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी के आगरा पहुंची। इस यात्रा में राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ दिखे। सोशल मीडिया पर दोनों की तस्वीरें वायरल हुई, जिसके बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों का जोश भी हाई दिखा। यूपी में कांग्रेस और सपा के बीच सीटें फिक्स हो चुकी हैं। कांग्रेस के खाते में आई सीटों में कुछ सीटें ऐसी हैं जो राहुल और प्रियंका के लिए परेशानी का सबब है। यूपी में कांग्रेस के पास 17 सीटें हैं, तो वहीं सपा के पास अभी 63 सीटें हैं। लेकिन यूपी की कुछ ऐसी सीटें हैं जहां सपा का रिकॉर्ड बहुत खराब है। यूपी की 9 सीटों पर अखिलेश यादव की पार्टी कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई है। वो सीटें अमेठी, रायबरेली, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, फतेहपुर सिकरी, हाथरस और कानपुर है। खास बात यह है कि अब ये सभी सीटें गठबंधन के तहत कांग्रेस के पास है। बस यहीं से कांग्रेस के लिए परेशानी शुरू हो जाती है। अब इन सभी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, ऐसे में प्रेशर समाजवादी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस पर होने वाला है। हालांकि इन सीटों में अमेठी, रायबरेली ये 2 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस का पुराना गढ़ मानी जाती हैं। लेकिन अमेठी सीट कांग्रेस के लिहाज से अब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इस सीट पर बीजेपी की स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के राहुल गांधी को 2019 के लोकसभा चुनाव में हराया था। मतलब ये कि यूपी के जिन सीटों पर सपा कमजोर है, वो सभी सीटें कांग्रेस के खाते में आ गई हैं। माना जा रहा है कि यूपी में अब कांग्रेस के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस का दबाव होगा।